सरल भारत संस्कृति, जो आपको जोड़े भारत की संस्कृति से। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पर्व में व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। इस साल 26 सितंबर यानी सोमवार से नवरात्रि शुरू होने वाली है। यह पर्व 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस दौरान अगर आप घट स्थापना के मुहूर्त को लेकर चिंतित हैं, तो हम आपकी चिंता दूर करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पर सुबह करीब 6:11 से लेकर 7:55 इस समय के दौरान घट स्थापना का मुहूर्त है। तो वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:36 तक है। इसके अलावा कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करना अत्यंत शुभ माना गया है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, वैसे उसका समापन नवमी तिथि को होता है। नवरात्रि के पहले दिन की तरह नवमी के पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि नवमी के दिन पूजा करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। इस बार अश्विन शुक्ल की नवमी तिथि सोमवार 3 अक्टूबर को शाम 4:37 से लेकर मंगलवार 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 तक रहेगी। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर माँ दुर्गा के नवमें स्वरूप की आरती उतारी जाती है। फिर पहले दिन घट स्थापना के दौरान बोए गए अंकुरित बीज माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और सुख समृद्धि यश कीर्ति विजय आरोग्यता की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।